अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आपका? जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए यहाँ के, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको मैं यानी कि लेनी होती हैं। हाल में जो पिछली अपॉइंटमेंट थी उसमें मैंने बताया था कि इनका किदारा है पुरमपला जो जॉब वगैरह देते हैं, तो वहाँ भी मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। तो एक अपॉइंटमेंट आ जाए मेरी, इनका ये इदारा है मिस लोकाल। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ना बहुत से बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। अब ये इदारा ना मिस लोकाल, यहाँ पे आज मेरी अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, कुछ इंटरव्यू मेरा यहाँ पे एक। इसका बेनिफिट ये है कि मुझे यहाँ की गवर्नमेंट घर दे देगी एक साल में, डेढ़ साल में, जब मैं डिक्लेयर काम करूँगा किस कंपनी में काम करूँगा। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास काम नहीं है तो ये लोग मुझे मंथली मुझे यानी कि खर्चा पानी देंगे। मेरी अभी एज है 23, जिनकी 25 एज है उनको मिलता है 700, अभी मेरी 23 है तो मुझे मिलेगा 500। मे भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, भी थोड़ा कम मिल जाए, अभी फ़िलहाल 200 मिल रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, अभी फ़िलहाल 200 मिल रहे हैं मुझे, तो ये अब मुझे 500 हो जाएंगे बहुत जल्द ना इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट अभी अपॉइंटमेंट जब क्लियर हो जाएगी ना, मेरी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, 500 हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जैसे जॉब मिलेगी तो फिर ये पास हो जाएंगे, जब तक जॉब चलेगी रुके रहेंगे। फिर जैसे मैं कोई जॉब अगर मैं छोड़ूंगा या छुट्टियां वगैरह करूंगा जॉब से, फिर ये मेरे कंटिन्यू हो जाएंगे मिलने। तो अभी 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं थोड़ी जल्दी आ क्योंकि अक्सर लेट हो जाती है, ट्रैफिक जैम होती है, उसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। आज जुमा भी है, सारवीं मस्जिद है, जुमा पढ़ेंगे, तो अभी निकला हूँ टाइम पास करने के लिए। मॉल भी है साथ, मॉल में घूमे फिरेंगे और जुमा भी पढ़ेंगे सारे इंशाल्लाह खैर करे। तो मॉल में अभी आया हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। मोबाइल की चार्जिंग लो है तो कोई चार्जिंग पॉइंट ढूंढता हूँ मोबाइल चार्ज करना है वहाँ पर। उसकी बैक साइड पर मस्जिद है, जुमे का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा रह गया अजान होने में, तो वहाँ पर चलेंगे। फिर जुमा पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह आके थोड़ा मॉल घूमेंगे, फिर इतना अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो जाएगा, फिर वहाँ चले जाएंगे। तो जी ये मॉल है, यहाँ के मॉल बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। क्या हुआ था, आईफोन 14 प्रो आया हुआ है, चेक करते हैं ज़रा जाके। आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स भाई, ये राइट आईफोन 14 प्रो मैक्स। मेरा 14 प्रो मैक्स, ये 14 प्रो है, ये 14 है और ये 14 मिनी आई थिंक। चलो खैर जो भी है, तो कैमरा वगैरह चेक करता हूँ, मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ 14। तो ब्लैक जो है लाइट थोड़ी ज़्यादा आई थी ना, ये 14 प्रो है। इसके 14 प्रो मैक्स नीचे प्राइस आ रही है, यानी कि 14 प्रो मैक्स की प्राइस है 1449 यूरो। अगर इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना तो 819 यूरो हमें एडवांस देना पड़ेगा, बाकी 8 यूरो पर मंथ इसकी किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी। उसके बाद ये बाकी इनकी SFR जो इनकी सिम है नेटवर्क की, उसकी डिटेल आ रही है बस। इसके अंदर 6.7 इंच इसकी डिस्प्ले है, 14 मेगापिक्सल का एक कैमरा, 12+12 का एक कैमरा, यानी कि दो कैमरे हो गए 3। 12 का जो है फ्रंट कैमरा इसका, 128 GB मेमोरी है इसकी। ये सैमसंग का पड़ा है, ज़्यादा फ्लिस पड़ा है सैमसंग का, बाकी सैमसंग मोबाइल पड़े हैं, शॉमी पड़ा है यहाँ पर। हाँ जी, तो भाई लो चार्जिंग पॉइंट मिल गया, बस जगह मिल जाए बैठने की।
मोबाइल लगा हुआ चार्ज पे, शिट। आगे देखता हूँ आगे जाके, आगे मेरी भी जगह मिल जाए कोई, यहाँ मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर थोड़ी देर तक 15-20 मिनट तक चलते हुए जुमा पढ़ने, जुमे का टाइम भी होने वाला है। अच्छा तो भाई लोग, ये है यहाँ की जामिया मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे एक साइड पे लेडीज़ की जमात होती है, एक साइड पे यानी कि जो मर्द दराज होते हैं उनकी यानी कि जमात होती है, यानी कि होती है इकट्ठी है, मतलब एक साइड पे लेडीज़ होती है, एक साइड पे मर्द होते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है ये। तो जुमे का टाइम होने वाला, जाते जाके वज़ू करता हूँ, वज़ू करने के बाद इंशाल्लाह जुमा पढ़ते हैं। लोग जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। तो जुमा मैंने पढ़ लिया, अभी जा रहा हूँ उनके ऑफिस में सीधा। तो अपॉइंटमेंट का टाइम होने वाला है, 10 मिनट रह गया 3 बजने में, तो इंटरव्यू के बाद मिलता हूँ आपसे भाई। रखे ये इनका ऑफिस है, अभी वेट कर रहा हूँ। तो अभी अंदर गई है बताने के लिए। तो भाई लोग, पक पका के आ गया हूँ बाहर। फ्रेंच बोल रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, इंग्लिश बोल रही है थोड़ी बहुत, उसको इंग्लिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत उसने समझाया है मुझे। अभी एक दोस्त है उससे रब्ता करूँगा कि क्या बोल रहे हैं लोग, ना समझ नहीं आई मुझे। इतने मैंने बताया कि अभी तुम जॉब नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम्हारा कार्ड नहीं आया, कार्ड का वेट करो, उसके बाद जॉब कर सकते हो तुम। अभी कार्ड का वेट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।